हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप? बढ़िया भाई। दोपहर के बज गए हैं इस वक्त 2:27, यानी 2:30 बज गया। और अभी लंच तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। पता क्या है, आज बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ मैं। दीपू के मैं बालों की कटिंग कर रहा हूँ, मतलब आज नाई वाला काम कर रहा हूँ मैं। अब देखो जरा उसके बालों की कटिंग में कैसे कर पाता हूँ। जरा सुना, तेरे बाल काट दिया? नाखून काट दी? कहाँ रखा था वो नेल कटर? कहाँ रखा? अच्छा, दीपू की दादी काटे नाखून। तो तू रेडी है ना? बिल्कुल। तेरे बाल ये सारे कतर देने, इतने लंबे हो रखे तेरे बाल ना। ऐतते काटी है। ऐतते। ठीक है ठीक है। पेंडिंग है बाहर के लिए। दादी से मांग, दादी से मांग। दादी चादर से बने। दीपू जरा अपने तब तक कपड़े वगैरह मतलब निकाल दे, स्वेटर वगैरह ना सारा। दोनों नहीं, सारे निकाल दे। आरी से जा रही है दादी ना, तेरी दादी माता जी से जा रही है। अभी दीपू की चादर आने वाली है। बाल काटने की कैंची अक्सर हम यहाँ पे रखते हैं। चल इधर आजा नीचे, आजा आराम। कंघी तो है हमारे पास, कंघी इधर, कंघी यहाँ पे हमारे पास। आजा नीचे आराम से, आराम से। ये भी यहाँ पे अब अपने आप आएगा ये। हाँ, ले तेरे लिए चादर भी आ गई। अब ला माता जी चादर बैठने के लिए ना, सामान बढ़िया हो जाएगा। तेरे बाल नहीं लगे ना कपड़ों में। अब अपने कपड़े वगैरह निकाल दे। वो सुन ले ध्यान से, इधर धूप है भाई, धूप ही धूप ना। तो धूप चली गई ना एक बार, फिर ठंड से तू बैठ नहीं पाएगा नीचे। अभी जल्दी होती है ऊपर फटाफट, फिर नहाना भी था ना उसके बाद। हाँ जी हाँ जी, क्या ऐसे देख रहा धूप नीचे। दीपू की ड्रेस हो गई अब रेडी ना, महात्मा गांधी लग रहा है। बैठ जा नीचे, अब नीचे बैठ जा। गांधी जी, आपकी कटिंग करनी हमने बालों की, कर ले शुरू। आपके बाल ना एकदम से कर देने सारे के सारे। ये क्यों करनी तू बता खुद, मतलब बड़ी करनी की मोटी मोटी कटिंग करनी? इतनी इतनी शीशा। रुक जा, शीशा लाता हूँ अंदर से। ले आ गया शीशा, इसे पकड़ ले। दे पकड़, रेडी हो? दीपू मस्त हो रही कटिंग, देख ली शीशे में पक्का। सिम की कटिंग करनी अब। सिमी करो कटिंग, छोटी ना इसकी, छोटी काटनी इसकी। मैंने काट सिमी छोटी, काटू? ये तो खुश है, इसको क्या काट बे। A few moments later. कस्टमर से पूछता हूँ जरा। हाँ भाई कस्टमर, कैसे हुई कटिंग? बढ़िया बढ़िया भाई, नानू के फ्रेश हो गया है ना। वेरी गुड। इधर मुड़ जा, थोड़ा तेल लगाएंगे अब तेरे को ना। मेरा तेल मैं अपने आप नहीं, इधर ला, मैं खुद लगाऊंगा। ओए इधर 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 इधर, मैं लगाऊंगा। उससे बढ़िया लगता है तेल फिर। ये बात मस्त हो गया बंदे के बाल ना, एकदम हीरो बन गया ना। कौन सा हीरो बना? डोगरा हीरो। ठीक है, सही तो है। सही है सिमी, सिमी की कटिंग भी करनी। रुक जा तू, अभी तो 4:15 हो रहा है लंच ब्रेक। आराम से कर, आराम से आराम से बैठ के, फिले सिमी बैठ के, बैठ के फिले, बैठ के। वाओ थैंक यू। टॉपी के लिए भोजन रेडी। पूरे दिन भर रहता है यहाँ पे। जरूर 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 खाल शाबाश।
को धूप भी लग रही यहाँ पे। थक तो ना धूप में है? खोल दे दरवाजा। किसने कुंडी किसने लगाई थी? इसने। दीपू ने लगाई थी? हाँ। बुला दे एक मिनट। कहाँ गया ये? गया कहाँ ये? हाँ। सुबह। तू तेरा सिर पहले वाला गंजा लग गया ना एक ये बड़ा का लकड़ी का डंग से। लगाओ क्रीम लगाओ उसको। ये इतना शोर क्यों कर रही है? हाँ। चिल्ला रही जोर से इतना। बस हो गया, बहुत लगा जा इसको क्रीम। अब हाँ वो अब किक मार लिया गिरे भाई नाक में तेरे शेम ऐसे ही सूख रहा है तभी हो रही तेरी पिटाई। नाक खले साफ अच्छे से। यहाँ से कहाँ आ रहा ढंग से जा इधर से हर किंगरी। हाँ खले नाक साफ बढ़िया से शे कर ना शे जोर से ऐसे भी छे इतना सारा शेम। अब सिंह भी चलेगी हमारे साथ। अच्छा तुरे यही बता दी के पास हमारे साथ नहीं आना। बढ़िया वैसे सिर पे आ गया। कर दे दे। हाँ जा ऊपर आ जा ऊपर आ जा। यहाँ मूंगफली कहाँ कहाँ इधर मिल गई सिम को मूंगफली एक एक दे दे एक। थैंक यू। अच्छा तू भी दे रहा है। थैंक यू। दो गए चलो चलो गोबर ढोने जाना हमने गोबर। अरे ठीक है वहां से क्या ले रहा। अरे इतनी ठंड कहीं नहीं है टोपी की जरूरत नहीं। आ जा टोपी की जरूरत नहीं। अब अभी तो सूर्य भगवान से ऊपर है वो तो डटे हुए सूर्य भगवान से उधर अभी नहीं। अभी चलो चलो सूर्य भगवान जी मारा मैं तो मुंह देख रहा था ले रहा है नदी के पास है पर ज्यादा नदी के पास ठीक है इधर तेरे को। अब हमारी टीम जा रही है गोबर ढोने तो मिला दीपू चले गए नीचे। मैं अब निकल रहा हूँ घर से। फाइनली पहुंच गया हूँ गाय के ओबरे के पास जहाँ पे हम गोबर भर रहे हैं। गोबर की लोडिंग चल रही है। ओए तू कहाँ से आ रहा है इतनी लेट? यहाँ चलिए अंदर गोबर की लोडिंग। थोड़ा और भर दे और भर दे। शाबाश अब बहुत है। नीचे चल रहा है मैच ग्राउंड में क्रिकेट मैच। इतने बहुत सारे आ रहे बंदे नीचे। तू इधर आ जा ना दीपू अपना गिला बोले खुद आप हम से अपने आप बन जिसको अपने आप हो गया लोड इसका गिला भी चल मेरा उठा ले इसको उठाने दे। पूरी तैयारी कर अब चकने की। अब शाल की ख्वाब है चकनों में बस ठीक है। चल पढ़ चल पढ़ा रहे हमें बढ़िया चला शॉर्टकट का हमको बर अंदर से ही फेंक रहे बाहर ये चीज सही है शॉर्टकट। रास्ते कुछ ऐसे है ना यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है संभल के। मौसम भी आज बहुत मस्त बना हुआ है एकदम साफ सुथरा नीला आसमान और सूर्य भगवान जी छुपने की तैयारी में। चले टीम वापस घर।
गाड़ी दी ऐसा है ना, अगर गिर गया ना तो जाएगा सीधा नीचे जाएगा, ऐसे लगेगी तेरी गाड़ी अभी। चल यहाँ से ऊपर उठ, खेत नीचे गेहूँ नहीं करना खराब, गेहूँ दबरे इसके नीचे। ओए दीपू इधर आ दो, पर है ना एक पेड़ है बिल्कुल झूले जैसा, ये वाला, ये कजरा कोशिश झूल लेंगे, होना ना तू नहीं झूल पाएगा, मैं करता हूँ ट्राई, तब कैसे झूलेगा ऊपर से। दीपू टैंक लगा कर बांगो नहीं था, दीपू आ टैंक लगा कर बांगो ओए ऐसे नहीं पकड़ मेरे को, छोड़ो मेरे को, ओए कोशिश कर, कोशिश शाबाश। अच्छा दीपू जी, एक क्वेश्चन है तेरे लिए, ऐसा कौन सा जीव है पानी में रहता हो, अगर हम पानी पिए तो सीधा नाक में घुसता है, बता। क्या बोलते, जोंक। क्या जोंक? जोंक किसने बताया तेरे को, सच बोलना, खुद बताया? हाँ, बोलता था, बोलता दीपू नहीं जोंक। हाँ हाँ, अच्छा गाय बेबी कभी, चलो तेरी आंसर सही है, दोबारा बोल। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पानी भी नहीं पीने देती है? ऐसी कौन सी चीज है जो पानी नहीं पीने देती है? कौन सी चीज ऐसी जो हमें खाने भी नहीं देती? ले पानी नहीं पीने देती, खाना नहीं खाना देती, ऐसी कौन सी चीज है? बेकार क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है तू ही बता कौन सी ऐसी, बता कौन सी। मक्खी, मक्खी जो। अच्छा मक्खी जो का। मैं और दीपू लौट गए अपने घर, अब मैं भी जरा नहा धोखा हो गया फ्रेश, दीपू करेगा अपना काम स्कूल का और मैं करूंगा ब्लॉग की एडिटिंग, और हम दोनों साथ में हीटर भी सेकेंगे, हमारे पास सिंगल रोड का हीटर है यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगले ब्लॉग में आपसे डेफिनेटली मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।